अब सीधा तो गाड़ी लेने के लिए, और मुझे पता था कि किसी बंदे की नजर मेरे पे हो या ना हो, पर ये ब्लड रन वाले बंदे की जरूर होगी। बिल्डिंग में तो आ जाता हूँ, पर ये वाली गाड़ी की डैमेज भाई इतनी कम है कि अगर अच्छे से कोई स्प्रे मारेगा तो खत्म है भाई। अब इसको नॉक करके फिनिश नहीं कर पाता मैं, और इसी बंदे के नीचे भाई पूरी स्क्वाड थी, और मेरे को क्या लगा कि जिसको मैंने नॉक किया इसी बंदे के टीममेट से ब्लड ड्रैगन वाले। पर यहाँ तो सीन उल्टा था, मेरा किल ही चोरी हो गया। उसके बाद यहाँ जोन भी धोखा दे देता है, तो फटाफट से भाई स्केटबोर्ड यूज करके मैं आ जाता हूँ इस वाले बिल्डिंग में। लेकिन अब एक और डर था कि जिस बंदे को मैंने उस टाइम मारा था छत के ऊपर जो चढ़ा हुआ था, वो बंदा यहाँ कैंप ना कर रहा हो। अब यहाँ सामने वाले स्क्वाड को भी जोन में आना था, तो मुझे क्या लगा कि ये लोग मेरे पे रश करेंगे, लेकिन अलग ही चलाक निकलते हैं भाई। ये लोग तो सीधा जोन के अंदर जाते हैं, वो भी बिल्कुल बीच वाले घर पे, क्योंकि इतना तो इनको पता ही था कि जोन के कॉर्नर पे हूं मैं, तो ये लोग अगर जोन के अंदर चले जाएंगे बिल्कुल तो अगला जोन इनके पास बनेगा, फिर मेरे को जाना पड़ेगा। पर यहां इनका प्लान हो जाता है फेल। एक बंदे को मैं नॉक करता हूं, एक बंदे दूसरे स्क्वाड का बंदा नॉक कर दिया था इनके। अब बचा था ब्लड रन वाला बंदा, तो मैं सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला रस करने का, तो सीधा घुस जाओ। अब देखते जाओ बस यहाँ मेरे साथ क्या होने वाला है, मतलब ऐसा भी होगा मैंने नहीं सोचा था। कैरेक्टर ही फंस गया यार उस वाले बर्फ के अंदर, मतलब इधर उधर ही नहीं हो पा रहा था मैं। फाइनली यहाँ ब्लड रेवन वाली स्क्वाड को भी फिनिश करते हैं। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो और अगर थोड़ा सा भी कुछ पसंद आया हो